यस, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सो विच मीन्स आप ये जो कॉल है रिकॉर्ड हो रही है और ये जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएगी। तो जिनके भी वीडियोस ऑन हैं, अगर आप वीडियोस ऑफ करना चाहें तो अपने वीडियोस ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉल अब रिकॉर्ड हो रही है और ये जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो उसके साथ एक और बात बताना चाहता हूँ कि फाइनली हमारा यूट्यूब चैनल लॉन्च हो गया है। उसका जो वो है लिंक है, वो हर जगह हम लोगों ने फैला दिया है। तो ये जो कॉल्स हैं वेंसडे वाली, ये सारी उस पर भी लोड होंगी, अपलोड होंगी। तो भाई जो जुड़े हैं अगले और इधर उधर ग्रुप से, जो जिन्होंने जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा नहीं है, उनको बता दूं कि आप टेलीग्राम, एक दूसरी ऐप है, उसको आप डाउनलोड करिए। व्हाट्सएप नहीं है, व्हाट्सएप जैसी है उसको डाउनलोड करिए। और ये देखिए नीचे आपको इतने सारे मैंने हमारे जो एडमिन हैं इन सबके नाम दे रखे हैं, उनकी आईडीज दे रखी हैं। उसमें वो नंबर से नहीं चलती, वो आईडी से चलती है। तो ये प्रियांक अग्रवाल, एकम ताओ, दक्ष, निकुम संत और विशाल गांधी, ये हमारे एडमिन्स हैं। आप इनमें से किसी को भी मैसेज कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप के साथ। ये 500 लोगों का ग्रुप है और इसके साथ ही बहुत सारे और ग्रुप्स हैं हमारे। सिर्फ जो है ट्रांसमैन का, हिंदी इंग्लिश का ग्रुप नहीं है, उसमें आपका डेली स्पिरिचुअलिटी का, पॉजिटिविटी का, मस्ती का, जॉब्स का, हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, बहुत सारे 6-7 ग्रुप्स हैं और आप उन सब का भाग बन सकते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की कॉल। तो आज की कॉल जो है हम शुरू करेंगे एक संदेश के साथ, जो है एवरीवन इज वैलिड। बिफोर आई स्टार्ट द कॉल, इज देयर एनीवन ऑन द कॉल हु डजन अंडरस्टैंड हिंदी एट ऑल? इफ देयर इज एनीवन हु डजन अंडरस्टैंड हिंदी एट ऑल, प्लीज लेट मी नो राइट नाउ, बिकॉज द प्रेडोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ माई कॉल इज ऑलवेज हिंदी। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी एट ऑल, देन लेट मी नो, आई ट्राई टू कीप इट एज बायलिंगुअल एज पॉसिबल, और एल्स आई विल जस्ट स्पीक इन हिंदी, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस इज हिंदी अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट, प्लीज राइट इट इन द चैट एंड आई विल गेट टू नो इफ देयर इज समवन हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी। परफेक्ट, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, एवरी वन इज वैलिड। तो इसको ना मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, इस चीज़ से समझिए कि मैं एलजीबीटी के लोगों के बारे में ही बात करता हूँ पहले। आप अपने बारे में सोचिए, ठीक है? ट्रांस मैन, ट्रांस वूमेन, ठीक है? अब हम अगर किसी को ये बताएं कि भैया हमारा शरीर तो जो है ना वो कोई और है, लेकिन हम दिमाग में अपने आप को कुछ और समझते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ट्रांस मैन, कि शरीर तो लड़कियों वाला है, लेकिन हम जो है जेंडर जो है ना हमारा, वो हम अपने आप को मर्द मानते हैं। तो वो आदमी का क्या सोचेगा? भाई इसके तो दिमाग में कुछ गड़बड़ है है ना, इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, ये पागल है, ठीक है? और इसीलिए अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की जो डायरी थी, उसके अंदर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, सबसे लंबे समय के लिए, ये एक डिसऑर्डर माना जाता था, जीआईडी, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसको अभी उन्होंने निकाला है। और अब हम लोग जो है यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं नई टर्म GAC, जेंडर अफर्मिंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है? तो GID नहीं बोलते, GAC बोलते हैं। तो मैं ये इस बात से आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब वो सोचें, ऐसा उनको लगे कि भाई ये देखो शरीर तो आदमी वाला है और समझती अपने आप को लड़की है, तो कुछ तो दिमाग में खलल है, कुछ तो पागल है ना? क्योंकि उसको नहीं समझ आ रहा है ना आप क्या है, उसने कभी देखा नहीं है ऐसा, उसको ना ऐसा कोई एक्सपोजर हुआ है। तो इस बात से ये चीज समझिए कि आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है ना, कि अच्छा ऐसा भी होता है कि ये जो है इनको लड़के भी पसंद है, लड़कियां भी पसंद है, अच्छा जी ऐसा कैसे होता है? अच्छा ट्रांसमैन है, गे है, तो फिर ट्रांजिशन क्यों कराया? फिर तो अगर लड़के के साथ ही रहना था तो लड़की शरीर में ही रह लेते। या ट्रांस वुमेन है, लेस्बियन है, अच्छा ऐसा क्यों? अगर लड़के के साथ ही या लड़की के साथ ही रहना था तो एज अ बॉय रह लेते, एज अ आदमी रह लेते। तो मेरे भाई हर कोई वैध है, और सॉरी, आई एम रियली सॉरी भाई बोलने की मेरी आदत है, क्योंकि मैं वेंसडे कॉल लड़कों के लिए करता हूँ। प्लीज आई रिक्वेस्ट, माई सिंसियर रिक्वेस्ट एंड अपोलॉजीज एंड एडवांस, ट्रांस वुमेन प्लीज डोंट टेक ऑफेंस, भाई इज जस्ट अ टर्म दैट आई यूज। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ना बोलूँ, लेकिन अगर निकल जाए तो प्लीज जरा मुझे माफ करें, मैं अग्रिम तौर पर आपसे माफी मांगता हूँ हर कोई वैध है, हर कोई जिसकी भी जो जेंडर ओरिएंटेशन है, जिसकी भी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, हर कोई वैध है। आपको किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और खास करके हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं, है ना, एलजीबीटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो होमोसेक्सुअल्स हैं, जो बायोसेक्सुअल्स हैं, जो आप ट्रांससेक्सुअल्स हैं, हम लोगों को तो कभी खास कर किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हर चीज समझनी चाहिए, ठीक है? कई लोग होते हैं जिन्हें पेड़ों से प्यार होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, पानी में रहने वाले जलचरों से प्यार होता है,
है ना भाई, अगर उसके अंदर कुछ सेक्सुअल नहीं है या सेक्सुअल भी है, हाँ आपको किसी भी चीज का, आपको वो चीज समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसको अपनाने की जरूरत है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, यू जस्ट हैव टू अडैप्ट एंड अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल, है ना। बहुत बहुत जरूरी है, हर कोई वैध है, इस चीज को ध्यान रखें, एवरी वन इज वैलिड, राइट। इस संदेश के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, सबसे पहले है जेंडर एक्सप्रेशन, लिंग अभिव्यक्ति होती क्या है। लिंग अभिव्यक्ति होती है जिस तरह से आदमी रहता है, आदमी मतलब एक एक इंसान। हे भगवान, हम मुझे भी कई बार ऐसा समझ में आता है कि भाषा कितनी पेट्रियार्कल है हम लोगों की, हर जगह जो है आदमी 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 ही निकलता है मुंह से। अच्छा, खाली ट्रांसमैन की कॉल हो तो कोई दिक्कत भी नहीं, आदमी आदमी कर लो। एनीवे, बहरहाल कमिंग बैक टू इट, कि भाई जेंडर एक्सप्रेशन जो होता है वो इंसान किस तरह से रहता है, किस तरह से व्यवहार करता है, किस तरह के कपड़े पहनता है, किस तरह की उसके बाल हैं, इन सब चीजों के माध्यम से जो चीज व्यक्त की जाती है उस चीज को जेंडर एक्सप्रेशन या लिंग अभिव्यक्ति कहते हैं, ठीक है। अब आया जेंडर आइडेंटिटी वर्सेस सेक्स, ठीक है। जेंडर आइडेंटिटी अलग होती है और सेक्स अलग होता है, लिंग बनाम जैविक सेक्स। देखो जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है, सेक्स, पहले पहले सेक्स समझो तो जेंडर आइडेंटिटी समझना और आसान हो जाएगा। जेन सेक्स जो होता है ना उसको जो फिर मेरी जो रेफरेंस रहता है वो रहता है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की जो डायरी है, बट लेकिन ये जो है हर जगह पूरे संसार में जो है ये मानी जाती है, पढ़ी जाती है और मानी भी जाती है। उसके हिसाब से लिंग जो है, जो सेक्स है उसको दो तरीके से बोला जाता है, एफैब एंड एमैब, ठीक है। असाइंड फीमेल एट बर्थ एंड असाइंड मेल एट बर्थ, ठीक है। जिसको जब मैं समझाता हूँ आपको, तो मैं समझाने के उसमें, क्योंकि ये मैं जब बोलूंगा तो मैं ये चीज जो है महसूस कर चुका हूँ, इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि लोगों को समझता नहीं है। जब मैं बोलता हूँ ना ए फैब है या ए मैब है, कहते हैं जी, तो उसको बताने के लिए मैं बताता हूँ कि बायोलॉजिकल सेक्स, जो कि सही टर्म नहीं है, ठीक है, आपको यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इसको समझाने के तौर पे आपको इस्तेमाल कर रहा हूँ। बायोलॉजिकल सेक्स मतलब जिस सेक्स में आप पैदा हुए हैं, हाँ, विच रेफर्स टू जेनिटीलिया बिटवीन योर लेग्स, आपके टांगों के बीच में क्या है वो आपका सेक्स है, बायोलॉजिकल, है ना। सो इफ यू हैव पीनिस एंड बॉल्स यू आर मेल, आप लड़का, आप मर्द हैं। अगर आपके जो है वजाइना है, ठीक है, तो आप जो है औरत हैं, ऐसा सेक्स होता है, ठीक है। ये हुआ सेक्स। अब आई जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है, जेंडर आइडेंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्स, क्योंकि जेंडर आइडेंटिटी जो होती है, अच्छा मैं देख रहा हूँ काफी लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो ऐसा है कि ये जो सवाल जवाब का सिलसिला है ये हम लोग शुरू करेंगे जब ये पीपीटी खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो अभी जरा थोड़ा सा सब्र रखिए। जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है कि जो जिस भी शरीर में आप पैदा हुए हैं, जो भी आप, चाहे वो आपका मर्द का शरीर है चाहे औरत का शरीर है, आप उससे आइडेंटिफाई नहीं करते, आप उससे पहचान नहीं करते। आप जो है आपके दिमाग में ऐसा है कि आप जो है जिसको बोलेंगे विपरीत लिंग, यानी कि ऑपोजिट सेक्स, इन द सेंस जो आपको असाइंड है एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसके आप विपरीत महसूस करते हैं कि वो मेरा लिंग है। जैसे ट्रांसमैन के लिए हमारा जन्म जो है वो औरत के शरीर में होता है, महिला शरीर में होता है, लेकिन हम जो है ये सोचते हैं कि, मानते हैं, पहचानते हैं कि हमारा जो है लिंग जो है वो मर्द है ना। इसी तरह जो ट्रांस वुमेन है वो पैदा मर्द शरीरों में होती हैं, लेकिन वो अपना, अपने जो लिंग पहचानती हैं, ठीक है, वो उसको अपने आप को औरत मानती हैं। इसी तरह से बहुत सारे वो हैं, जैसा कि इसमें लिखा है ना, मैंने लिखा है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें क्रोमोसोम, हार्मोन, आंतरिक बाहरी प्रजनन अंगों, माध्यमिक सेक्स, बहुत सारी चीजों का संयोजन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ मोटा मोटा कि सिर्फ पुरुष और महिला दो ही सेक्स नहीं होते, बहुत सारे और सेक्स होते हैं। तो इसको अगर आप और ज्यादा गूगल सर्च करेंगे तो आपको और भी ज्यादा इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। मैं अगर उसमें बताने में घुस जाऊं तो फिर ये 2-3 दिन का काम हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे सब महत्वपूर्ण चीजें जो हैं, बहुत ज्यादा जरूरी चीजें जो हैं वो बता रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने आपको सेक्स और जेंडर आइडेंटिटी समझा दिया क्या होता है। अब आया यौन अभिविन्यास या पसंद या सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होती है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन का आपके जेंडर से कुछ भी लेना देना नहीं होता, ठीक है। जेंडर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप आदमी हैं या आप औरत हैं,
आप किस शरीर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जेंडर जो है वो दो ही, अब तक मतलब जो प्रिडोमिनेंट जो है वो दो है, महिला या पुरुष। तो आप उसमें वो कर उसमें महसूस कर सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कि भैया आप जो भी हैं। लेकिन आपका जो यौन अभिविन्यास होता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है, वो फर्क होता है। वो क्या होता है कि आप सेक्सुअली, आप रोमांटिकली, सेक्स या भावनात्मक तौर पर आप किस जेंडर से ज्यादा सहज महसूस करते हैं, है ना। विच जेंडर डू यू आइडेंटिफाई मोर विद व्हेन यू टॉक अबाउट सेक्सुअल फीलिंग्स, व्हेन यू टॉक अबाउट इमोशनल फीलिंग्स, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट रोमांटिक एसोसिएशंस, है ना। तो उसमें क्या होता है कि ये बात मैं बता बता के थक गया हूँ। पहले तो भाई इतना लड़के जो है परेशान होते थे, मतलब उनको समझ ही नहीं आता था कि भैया ऐसा भी होता है कि ट्रांसमैन जो होते हैं गे होते हैं। हाँ भैया, ट्रांसमैन गे होते हैं। इनफैक्ट मैं जहाँ अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ 10 में से 5 ट्रांसमैन जो है वो गे हैं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ट्रांसमैन जो है सबकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होगी या यौन अभिविन्यास होगा वो सबका हेटरोसेक्सुअल ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, है ना। तो आप क्या चुनते हैं वो सेक्सुअली, रोमांटिकली और इमोशनली आप किसके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, किस सेक्स के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, वो होती है आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ठीक है, इसको मैं उदाहरण के तौर पे भी आपको आगे समझाऊंगा। अच्छा, इन नटशेल देखो ध्यान से, संक्षेप में ये रहा सब, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, अच्छा इधर नहीं डाला, चलो कोई बात नहीं। सेक्स जन्म के समय, जन्मांग जनांग जनांग क्या होते हैं आपके, जिनीटल्स, जिनीटल क्या होते हैं आपके, प्राइवेट पार्ट्स, है ना, जो टांगों के बीच में होता है वो, जो होता है देखो, जब डॉक्टर बताता है ना क्या हुआ, वो क्या देखते हैं, पीनेस है, बॉल्स है, लड़का है ना, वजाइना है, लड़की है ना। तो ये होता है, वो होता है सेक्स, कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन द अपीयरेंस ऑफ द जेनिटलिया एट बर्थ। ठीक है, सेक्सुअलिटी क्या होती है, जिसमें आपका जैविक सेक्स, यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान, यौन व्यवहार सब कुछ आता है उसके अंदर, वो होती है आपकी सेक्सुअलिटी। और सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होता है, एक भावनात्मक, रोमांटिक या यौन आकर्ष, है ना। तो समझ आ गया बहुत अच्छे से, तीनों का फर्क बहुत आसान फर्क है। ठीक है, अब धीरे धीरे मैं आपको जो मेन हमारे LGBTQ के जो मुख्य तौर पे जो भी कैटेगराइजेशन है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। है तो इतने, क्योंकि अब जो है अमेरिका में, यहाँ पे स्पेशली, इंडिया का मुझे नहीं पता, हिंदुस्तान में भी यही करते होंगे, अमेरिका में अब कोई LGBTQ नहीं लिखता है, वी राइट LGBTQ+, प्लस मतलब आ रहे हैं। और कनाडा में वो लोग लिखते हैं LGBTQ2S+, क्योंकि वहां पे नेटिव कम्युनिटीज बहुत हैं, तो वहां पे टू स्पिरिटेड लोग बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो LGBTQ2S+ लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग LGBTQ+ लिखते हैं। तो ये बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है। ठीक है, और इसीलिए मैं बोलता हूँ, जो सबसे पहले मैंने बोला ना, एवरीवन इज वैलिड, हर कोई वैध है। ठीक है, जिसकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, जो जो जैसा अपना जेंडर समझता है, जो अपने आप को जो समझता है, सब कुछ ठीक है, तब तक जब तक कि वो किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ठीक है, इसीलिए पीडोफिलिया, जो बच्चों के साथ सेक्स करना पसंद करते हैं, वो कभी भी मेरी नजर में, मेरे ओपिनियन में कभी भी मान्य नहीं हो सकता। क्योंकि आप किसी ऐसी किसी ऐसे लोग के साथ सेक्स करना चाह रहे हैं या रोमांटिक फीलिंग्स करना चाह रहे हैं जिन्हें इन चीजों का आभास ही नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है। किसी 5 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को मालूम ही नहीं है कि रोमांटिक फीलिंग्स क्या होती है ना। तो मेरे हिसाब से, स्ट्रिक्टली बाय माय ओपिनियन, पीडोफीलिया कैन नेवर कम। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, हर कोई वैध है जब तक कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ठीक है, तो ए सेक्सुअल क्या होते हैं, ए सेक्सुअल होते हैं समवन हु एक्सपीरियंसेस लिटिल और नो सेक्सुअल अट्रैक्शन। ठीक है, ए सेक्सुअल जो होते हैं उनको ना किसी से भी सेक्सुअल फीलिंग्स नहीं आती है। ठीक है, तो वो जो है उनको, मतलब मुझे तो बहुत ही मुश्किल होता है समझने में कि सेक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। तो अगर नहीं है तो भी वही, जैसा मैंने बोला कि आपको समझ आने की जरूरत नहीं है, मुझे समझ नहीं आता लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ। और यही आपका भी आउटलुक होना चाहिए, यही आपका भी आवरण होना चाहिए कि भैया मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, ऐसे एक भाई ने थोड़े दिन पहले अभी ग्रुप पे शेयर किया था ये बात, कि उन्होंने अपने दोस्त को बताया, वो अपने लिए ही हिम यूज कर रहे थे, तो उनके दोस्त ने बोला, ट्रांसमैन, कि भाई तुम जो है ही हिम क्यों यूज करते हो तुम, तो उसने बोला कि मैं ट्रांसमैन हूँ, आई आइडेंटिफाई एज अ मेल।
तो देन हिज फ्रेंड सेड, उनके दोस्त ने बोला कि मैं समझ नहीं सकता, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट मोर पावर टू यू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन मैं तुमको स्वीकार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत खुश रहो आगे लाइफ में। यही आउटलुक आपका होना चाहिए। आपको समझ नहीं आए कोई बात नहीं है, लेकिन आपको स्वीकार करना चाहिए और आपको उनको वो खुश रहे ऐसा आप अपने, ऐसा तो आपको सारे तो, 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 संसार के लिए बोलना चाहिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, है ना, एवरीवन लेट एवरीवन बी हैप्पी इन द वर्ल्ड। तो ये होते हैं एसेक्सुअल, ठीक है। फिर आए सिस जेंडर। सिस जेंडर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, हमारी जो पृथ्वी है उसका जो मेजोरिटी ऑफ जनसंख्या है ना, वो सारी सिस जेंडर है। सिस जेंडर क्या होते हैं, जो अपनी लिंग जो उनको दिया हुआ है, जैसे जो लड़की है तो अपने आप को लड़की ही मानती है, और अगर लड़का है तो अपने आप को लड़का ही मानता है जेनिटिलिया के हिसाब से, वो होते हैं सिस जेंडर, जो कि मेजोरिटी ऑफ द जनसंख्या वही है ना। क्रॉस ड्रेसर, क्रॉस ड्रेसर क्या होते हैं, उनका ज्यादातर करके आप पूछ सकते हैं अगर आपको संदेह हो रहा है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है और जितना मैंने बात करा है लोगों से, क्रॉस ड्रेसर जो होते हैं उन लोगों का जेंडर आइडेंटिटी, लिंग पहचान या लिंग अभिविन्यास से कुछ भी लेना देना नहीं होता, बस उन्हें जो है ऑपोजिट सेक्स की तरह, विपरीत लिंग की तरह तैयार होना पसंद होता है। तो जैसे कोई मर्द है वो औरतों के कपड़े पहनता है, या जो कोई औरत है वो मर्दों के कपड़े पहनती है, तो वो जो है क्रॉस ड्रेसर होते हैं। और उसी श्रेणी में या जो ड्रैग किंग और ड्रैग क्वींस भी आते हैं, ठीक है, वो शायद मैंने डाला नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया था, ऑलरेडी 20-22 स्लाइड्स हो गई थी, तो ये हुए, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें डाली हैं। अच्छा, ये ना बहुत ध्यान से सुनो, ये जितने भी ट्रांसमेंट जुड़े हुए हैं ना, जितने भी ट्रांसमेंट जुड़े हैं, बहुत ध्यान से सुनो और इसको आगे भी लोगों को समझाना। हाथ जोड़ के मेरी विनती है आपसे, ठीक है, क्योंकि अभी पिछले 2 हफ्तों में ना जो खेप जुड़ी है ना अभी ट्रांसमैन ग्रुप के साथ, कुछ मेरे ख्याल से 40-50 नए लड़के जुड़े हैं, है ना, 500 के करीब हम होने जा रहे हैं सब। भैया हम तो टॉम्बॉय हैं। अब मैंने कई लोगों को समझाया भी, जब जुड़ने जुड़ने के लिए मेरे को मैसेज आता है कि भैया हमें ट्रांसमैन ग्रुप में जोड़ दीजिए, मैं टॉम्बॉय, तब मैं उस टाइम पे उनको समझाता हूँ, ठीक है। फिर जब ग्रुप पे जुड़ जाते हैं तब भी टॉमबॉय हैं भैया, हम टॉमबॉय हैं, तब भी मैं समझाता हूँ टॉमबॉय नहीं है भाई, आप ट्रांसमैन हैं। अभी थोड़े दिन पहले वो लड़के ने बोला, तब मैंने वो इतना लंबा चौड़ा आपको मैसेज भेजा था, सबने पढ़ा होगा वो, मैंने कहा भाई टॉमबॉय नहीं, हाँ भैया मैं टॉमबॉय हूँ, मुझे जरा वो करना है, ट्रांजिशन शुरू करना है तो कैसे करना है, तो उसको बोला टॉमबॉय नहीं हो भैया, तुम ट्रांसमैन हो अभी तो नहीं। मैंने कहा भाई कैसे मतलब अभी तो नहीं, का क्या मतलब, कहते कि भाई जब तक आप ट्रांजिशन शुरू नहीं करते ना, जब तक आप जीएसी नहीं लेते या आप टेस्टोस्टेरोन शुरू नहीं करते या सर्जरी नहीं होती, आप ट्रांसमैन नहीं होते, आप टॉम बॉय होते हो। मैंने कहा भाई जिसने ये बताया है ना, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मेरी तरफ से चप्पल उतार के उसके सर पे 4 बजाना प्लीज, ठीक है, उनको बोलना कि ये अभी भाई की तरफ से है। ये किसने बोल दिया आपको कि आप अगर ट्रांजिशन नहीं कराते हो तो आप टॉम बॉय या टॉम गर्ल रहते हो? हाँ आप, मैं वही समझाता हूँ ना, आप मर्द हो और आप मर्द रहोगे, उसका आपके ट्रांजिशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेट दैट सिंक इन, इसको समझो, ठीक है। मतलब ये क्या है, अगर कोई भाई है, जैसे हमारे एक भाई, मैं जानता हूँ, मैं निजी तौर पे कितने लड़कों को जानता हूँ जो किसी परेशानी की वजह से नहीं, पैसे नहीं है, ठीक है, सबसे बड़ी बात है पैसे नहीं है तो वो नहीं करा रहे हैं अपनी ट्रांजिशन शुरू नहीं करा पा रहे। एक हमारे भाई है जिनको होमोफीलिया है। होमोफीलिया क्या होता है कि आप उनको जरा सा कट लग गया, खून निकलना शुरू हो गया तो खून बंद नहीं होता, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, वो तो करा ही नहीं सकते सर्जरी, उनके लिए पॉसिबल है, उनके पैसे भी हैं सब कुछ है, लेकिन वो करा नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर्स मना करते हैं कि ये आपकी जान को खतरा हो सकता है, मर सकते हो। तो आप अगर ट्रांजिशन नहीं कराओगे तो आप टॉम बॉय हो जाओगे। टॉम बॉय क्या होते हैं, टॉम बॉय वो लड़कियां होती हैं, हाँ, जिनको अपने शरीर से कोई दिक्कत नहीं होती, उनका जेंडर ओरिएंटेशन, ओ सॉरी, उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो जो है हेटरो भी हो सकती हैं, होमोसेक्सुअल भी हो सकती हैं, बायसेक्सुअल भी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो जेंडर आइडेंटिफिकेशन होता है, जो लिंग पहचान होती है, वो लड़की की होती है, वो अपने आप को लड़की मानती हैं, उनको अपने अंगों से कोई दिक्कत नहीं होती। आप हो वो क्या, आप नहीं हो, क्योंकि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, जो फाउंडेशन जिसको बोलते हैं, नींव बोलते हैं ना ट्रांसिज्म की, वो क्या है कि आपको अपने शरीर से दिक्कत है, आपको अपने जनांगों से दिक्कत है, और वो चीज जो है ना वो आपको ट्रांस बनाती है। आप टॉम बॉय और टॉम गर्ल तो कभी हो ही नहीं सकते,
अगर आप टॉम बॉय टॉम गर्ल हो तो आप ट्रांस नहीं हो सकते। तो ये गलतफहमी जितने भी लोगों के दिमाग में थी आज, सबके दिमाग से निकल जानी चाहिए कि भैया ट्रांजिशन नहीं कराया तो हम टॉम बॉय या टॉम गर्ल हैं, और ट्रांजिशन शुरू कराया तब हम ट्रांसमैन ट्रांसवुमन बनेंगे। नहीं, आपको अगर अपने जनांगों से दिक्कत है और आप किसी समय अपना ट्रांजिशन कराना चाहते हो तो आप ट्रांसमैन हो और आप ट्रांसमैन रहोगे। इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे नयन भाई हैं, जुड़े होंगे जरूर, मैं उनका हमेशा उदाहरण देता हूँ। 40 के बाद उन्होंने अपना ट्रांजिशन शुरू कराया, 40 के बाद उन्होंने अपनी सर्जरी कराई है, ठीक है, और उसके बाद मतलब क्या हो गया, तो उसके पहले क्या थे, वो टॉमबॉय थे? नहीं, वो मर्द थे और वो मर्द हैं अभी भी। तो आपके ट्रांजिशन से उसका कुछ भी लेना देना नहीं। ये इतना लंबा खींच के मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और ये सबकी दूर होनी चाहिए। ये कृपया करके आप बाकी लोगों को भी समझाएं, ठीक है? अच्छा, जेंडर नॉन कंफर्मिंग। अच्छा, काफी लोग होते हैं जो समझ में नहीं आता, ये मुझे भी थोड़ा समय लगा था समझने में। हालांकि मुझे काफी चीजों की जो है क्लैरिटी वो हुई, काफी चीजें ठीक से मुझे समझ में आई एक बार मैं जब अमेरिका आ गया उसके बाद, क्योंकि यहाँ काफी कुछ खुले में बात होती है। ऑफकोर्स मतलब हिंदुस्तान में अभी इतना नहीं है, बढ़ रहा है धीरे धीरे, और वहां पे भी होगा, भगवान चाहेंगे तो जरूर अच्छा से होगा। तो इसमें देखिए, जेंडर नॉन कंफर्मिंग में आते हैं सबसे पहले तो नॉन बाइनरी, जेंडर फ्लूइड जो होते हैं, जो लोगों को समझ नहीं आता कि भाई ऐसा कैसे होता है। ये एक दिन जो होता है वो उनको उठते हैं तो वो लड़की की तरह महसूस करते हैं, अगले दिन सुबह सोकर उठते हैं तो वो मर्द की तरह महसूस करते हैं, और ऐसे लोग होते हैं, ये जेंडर नॉन बाइनरी बोलते हैं उन लोगों को। इनको भी आपको स्वीकार करना चाहिए। मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजन था, मैं जब यहाँ पे आया तो मैं काफी जगह जो है वॉलंटियर कर रहा था, मैंने बहुत जगह वॉलंटियरिंग करी यहाँ पर आकर के, ताकि मुझे समझ आए कि यहाँ पे LGBTQ का सीन क्या है। तो कॉल्स में एक मेरे आते थे मित्र, तो एक दिन जब कॉल अटेंड करी उनके साथ, तो माइकल उनका नाम, माइकल बनकर आए हुए थे और सब हमारी कॉल वॉल हुई, सारा सब बात बात हुई, ही हिम एवरीथिंग। अच्छा, उसके बाद एक हफ्ते बाद दोबारा कॉल हुई, तो उन्होंने एक विग लगाई हुई थी और थोड़ा मेकअप वगैरह पहना हुआ था, और उनका जो डिस्प्ले नेम था जूम पे उस पर लिखा हुआ था सैंड्रा, ठीक है, ऑब्वियसली ये नाम मैं सही आपको नहीं बता रहा हूँ, गलत नाम बता रहा हूँ। तो लड़की का नाम था सैंड्रा। तो मैंने मुझे मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या था। दिस वॉज लाइक 2 ईयर्स, 2 3 ईयर्स, 2017 की बात बता रहा हूँ। तो फिर मैंने जो हमारी हेड थी उनसे पूछा, मैंने कहा कि ये क्या था, उन्होंने मुझे समझाया कि ये जेंडर नॉन बाइनरी होता है। अच्छा, वो है ट्रांसमैन ही, ठीक है, वो ट्रांसमैन है लेकिन वो जेंडर नॉन बाइनरी है। तो वो अब जो है लड़का भी बनकर आते हैं और लड़की भी बनकर आते हैं। ऐसी ट्रांस वुमेन है जो जिनको एक दिन लड़के जैसा महसूस होता है, एक दिन लड़की जैसा महसूस होता है। तो जेंडर नॉन बाइनरी ट्रांस पर्सन जो होते हैं वो ज्यादातर करके ट्रांजिशन नहीं करवाते, वो अपना शरीर बदलवाते नहीं है। हालांकि ये मैं पूरी ठोस तौर पे नहीं कह सकता, क्योंकि जैसा जिसका मन हो वैसा वो कर सकते हैं, ठीक है। चीजें रोज बदलती हैं, रोज बदल रही हैं, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, जो चीजें मैं अभी बोल रहा हूँ शायद वो कल गलत हो जाए, है ना। तो ज्यादातर करके जो जेंडर नॉन बाइनरी होते हैं वो लोग अपना ट्रांजिशन नहीं कराते हैं, लेकिन वो ट्रांस होते हैं। अच्छा, एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज, इंटरसेक्स, है ना, इंटरसेक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरसेक्स क्या होता है, जिनके शरीर में जो है ना, जो प्रजनन या यौन शरीर जो होता है ना, उसमें दोनों महिला और पुरुष दोनों शरीरों के अनुसार उसके अंदर अंग रहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक लड़के को जानता हूँ, दोस्त नहीं है लेकिन वो भी वॉलंटियरिंग करता है तो बात बात होती रहती है उससे। वो आदमी के शरीर में पैदा हुआ, ठीक है, उसके जो है पीनिस है, बॉल्स हैं, दोनों हैं, और उसके साथ साथ उसकी ओवरीज भी हैं, लड़कियों की तरह उसके ओवरीज भी हैं शरीर के अंदर। तो वो हुआ इंटरसेक्स। अब वो क्या करता है, उसकी जेंडर क्या है और वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है? तो जेंडर वो अपने आप को मेल आइडेंटिफाई करता है, मेल आदमी के रूप में पहचानता है अपने आप को, और सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है उसकी हेटरोसेक्सुअल है, तो वो लड़कियों को पसंद करता है। बात समझ आई? इसी तरह अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, हिंदुस्तान में ही केस आया था कि लड़की है, ठीक है, और प्रॉपर बिल्कुल जो जनांग है वो वजाइना है, सब कुछ है, ठीक है, और जो है उसके साथ साथ उसके इनसाइड ग्रोथ है बॉल्स की।
आपकी जो वो रहती है पेनिस के नीचे जो बॉल्स रहती हैं वो भी हैं उनके अंदर, ठीक है। तो उसकी वजह से उनको पीरियड्स नहीं आते थे, माहवारी नहीं होती थी, मासिक धर्म जो होता है मेंसेस बोलते हैं वो नहीं होता था उनको, और वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, तो वो हुआ इंटरसेक्स। समझ आ गया? बहुत ही सामान्य भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो ये इंटरसेक्स होता है, ठीक है। और उनका अगेन इंटरसेक्स जो होता है वो शारीरिक तौर पर होता है, उसका आपके जेंडर से या आपकी जेंडर आइडेंटिटी से या सेक्सुअल ओरिएंटेशन से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वो अपने आप वो जो पहचानना चाहते हैं वो पहचान सकते हैं। जैसा मैंने आपको लड़के का एग्जाम्पल दिया कि हालांकि उसको ओवरीज हैं जिसकी वजह से उसके स्पर्म नहीं बनते, जिसका मतलब है कि वो बाप नहीं बन सकता कभी भी, ठीक है। तो लेकिन उसको इरेक्शन होता है, पीनिस उसका इरेक्ट होता है और वो सेक्स कर सकता है, और वो जो है उसका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, यौन अभिविन्यास है, वो लड़की की तरफ है, हेट्रोसेक्सुअल, तो वो लड़की लड़कियों पसंद करता है, ठीक है। लेस्बियन गेज हम सबको पता है, समलैंगिक। समलैंगिक कौन होते हैं? जो महिला महिला शरीर में पैदा हुई, महिला शरीर से कोई दिक्कत नहीं है और भावनात्मक सेक्सुअल रोमांटिक तौर पे वो लड़कियों के साथ रहना पसंद करती हैं। इसी तरह से मर्द, जो मर्द शरीर में पैदा हुए हैं, जिन्हें अपने शरीर से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो भावनात्मक तौर पर रोमांटिक और सेक्सुअल तौर पर आदमियों को पसंद करते हैं, है ना, तो वो होते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया थोड़ी देर पहले, ट्रांसमैन जो है वो गेज हो सकते हैं और ट्रांस वुमेन जो होती हैं वो लेस्बियन हो सकती हैं, क्योंकि आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो आपके जेंडर से अलग होती है। बाइसेक्सुअल, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगता है कि जो बाइसेक्सुअल होते हैं मेरे ओपिनियन में, मेरे विचार में बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, उनको दोनों दोनों जहानों का मिलता है। तो वो होते हैं जो मर्द हैं जो औरतें भी पसंद हैं और आदमी भी पसंद हैं, और औरत हैं जिन्हें औरतें भी पसंद हैं और मर्द भी पसंद है ना। तो अच्छा है, अपना जहाँ जिस दिन जहाँ मन करे वहां आप जाइए और जो है अपनी जिंदगी के मजे लूटिए। अच्छा, ट्रांसजेंडर मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा एक बात इससे पहले बताना चाहूंगा, 1 मिनट बचा है, बताते बताते इतना दिलचस्प बातें हो रही हैं कि बताना भूल गया, 1 मिनट बचा हुआ है, कॉल अपने आप कट जाएगी, तो आप जो है जो लिंक है उसी लिंक पे क्लिक करके वापस आपको आना है, ठीक है। मैं फॉरन कॉल दोबारा शुरू कर दूंगा तो आपको उसी पे जो है क्लिक करके आपको वापस आना है, ठीक है। तो ये आई सबसे